हेलो डियर, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। हमेशा आदमी को नकारात्मक नहीं बोलना चाहिए। और थोड़ी सी व्यस्तता है, और क्या व्यस्तता है, वो आज संडे है आप लोगों को पता है, और ये वीडियो आज ही आप लोगों को मिलेगा। 2 दिन से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था, पता है। इतना परेशान हूँ मैं, आपको बता नहीं सकती हूँ। 28 नवंबर को शादी था, मैंने आप लोगों से फैब्रिक शेयर किया था, लेकिन सिर्फ फैब्रिक लेने से नहीं होता है, उसको बनाना भी होता है। और बनाने से याद आया, कभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, सेल्फी स्टिक मैंने मंगाया है ऑर्डर करके, उससे ही बना रही हूँ। और अभी लगभग समय जो है 11:15 बज गया है, मैंने बेटी को नहीं नहलाया है, मेरा बेटा है बिल्कुल रेडी है। और फैब्रिक लेना, उसको कटिंग करना, बनाना, और एक छोटा बच्चा संभाल के कितना मुश्किल होता है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जब मैं फैब्रिक लेने जाती हूँ कोई भी कपड़ा, तो मैं पेपर में उसको बढ़िया से अच्छे से मेजरमेंट कर लेती हूँ। और ये वीडियो उसके लिए इंटरेस्टिंग होगा जो सिलाई वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं। गेट लगवाया मैंने, थोड़ा धुंधला आ रहा था, तो फैब्रिक मैं पेपर पर बिल्कुल मेजरमेंट करती हूँ, क्योंकि कॉस्टली कॉस्टली फैब्रिक लेने से वहाँ काटने में, पता है, इस बार जो मैंने गाउन का लिया था फैब्रिक, स्कर्ट का लिया वो बना लिया, फैब्रिक कटवाने गई, गाउन का मैंने एक पिंक कलर का फैब्रिक लिया है, वो उस दिन मैंने नहीं लिया था, ये मैंने दूसरे दुकान से लिया है। ये देखेंगे, इसका मैं फुल गाउन बनाने वाली हूँ। और ये फैब्रिक कटिंग में काटने वालों से ही गलती हो गई, मेरी कोई गलती नहीं थी। उन्होंने कहा, मैम आपका अगर इस पर होता है तो आप बना लीजिए, नहीं होता है तो आप आइएगा, मैं इसको रख के दूसरा दे दूँगी। तो मैंने मेजरमेंट पेपर में लिया है, पेपर में लेकर कट करती हूँ, फिर देखती हूँ कि कितना मुझे फैब्रिक चाहिए, फिर लेने जाती हूँ। तो इसका जो पतला वाला अस्तर आता है लाइनिंग, वो तो मिल गया था, लेकिन जो साटन वाला लाइनिंग आता है वो नहीं मिल रहा था। मैं इतनी टेंशन में हूँ, मैं कैसे जाऊँ, कैसे मंगाऊँ, हस्बैंड तो ऑफिस चले गए हैं, और दो और क्या होता है, जब आपको अधिक काम रहेगा, तो मेरी बेटी सो ही नहीं रही थी 2 दिन से, अब उसके पीछे परेशान हुई है, थोड़ा सा ये काम करिए, थोड़ा सा वो काम करिए, एक काम में मतलब पूरा इस रूम में मैं पूरा बिखेर कर रखती हूँ। जल्दी जल्दी सुबह से उठकर एक्टिव होती हूँ, खाना पीना। और दूसरी बात क्या है, मेरा अगर किचन गंदा रहता है तो मुझे मन नहीं लगता है। अगर किचन में बर्तन जमा रह गया तो मेरे दिमाग में चलते रहेगा कि किचन अभी गंदा है, किचन गंदा है, किचन गंदा है, इसके काम में मन नहीं लगेगा। तो अभी मैंने पूरा खाना पीना बना के सारा बर्तन बर्तन हम लोगों में ने भी जो खाया, कुछ डब्बे वगैरह भी थे, आप किचन को छोड़ नहीं सकते हैं। कुछ किराना का सामान आया था वो भी, और ज़्यादा मतलब मेरा दिमाग ब्लॉक होता है, बस मैं वीडियो ही डालना छोड़ देती हूँ, लेकिन जब तक आप लोगों से बात नहीं करती मुझे मन नहीं लगता है। चलिए पहले थोड़ा सा किचन आप लोगों को दिखा देते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरा। और ये देखिए पूरा जो है, मैंने बिल्कुल अच्छे से ये डब्बा वगैरह, 3-4 डब्बा था, इसको भी धुल दिया है। और ये दाल चावल सब्जी बना हुआ है, अभी जो भी खाया पिया वो सब धो के यहाँ पे लगा दिया, क्योंकि किचन अगर इस तरह से साफ रहता है, ऊपर तो एक बार अरेंज किया है तो सब कुछ उसी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखिए कहाँ कहाँ ध्यान देना है, क्या क्या करना है, किस चीज़ पर ध्यान देना है, हरकत चलते रहता है। तो जब तक आप लोगों से बात नहीं करती हूँ तो मन ही नहीं लगता। और आज मेरी बेटी सोई है, आज 2 दिन से एकदम मैंने छोड़ दिया, आज तो एकदम रोते हुए छोड़ दिया। मैंने कहा ठीक है रो, अब नहीं चुप करा पाऊंगी, सबके पीछे दिमाग लगाते लगाते मेरा एक भी चीज़। और कभी कभी जब स्पीड में आप सिलिएगा, मशीन आपका ख़राब होने लगेगा, बहुत परेशानी होती है डियर। इसीलिए तो 28 नवंबर को शादी है, मैं सोचती हूँ कम से कम 24 नवंबर को लगन पड़ेगा। तो जिसकी शादी है, जिस भाई की, वो दिल्ली से आ रहा है, आज तो मैंने शैम्पू भी किया है, वो दिल्ली से आ रहा है। तो बोला कि नहीं दीदी तुम भी मेरे साथ ही चलो, तो इसी से निकल जाओगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने बहुत मुश्किल से तैयार किया है, तो एक दिन के लिए तैयार हुए हैं। मैं शादी के दिन चला जाऊंगा, रिसेप्शन में नहीं रुकूंगा। और उसके बाद ये बोलते हैं ठीक है तुम चली जाओ, मैं चढ़ा दूंगा तुमको। तब बताइए 24 के को अगर मुझे जाना है तो 23 के रात में चढ़ना होगा, यानी कुल मिलाकर 20 तक मुझे हर तरह से रेडी होना है। अब कॉस्मेटिक है, कपड़ा है, कुछ ब्लाउज है जिसका अल्टरनेशन है, लूज करना है, मतलब बहुत हौसला में दिमाग है डियर। इसीलिए आप लोगों से नहीं मिल पाती हूँ मैं, लेकिन जो ड्रेस बना रही हूँ मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और हाँ, और मैं दिखाती हूँ जो मैंने बनाया था गाउन, तो ये देखिए, ये यहाँ पर ये मैंने ये गाउन पूरा निकाल कर रखा है, इसका मेजरमेंट लिया पूरा, इसको पहन के देखा कितना आया, क्योंकि अभी तो शरीर थोड़ा सा हैवी हो गया है, लेकिन ये 2019 में बनाया था, उस समय भी हैवी ही था, मेरा बेटा छोटा ही था, तो इसमें मैंने कैन वगैरह सारा चीज़ लगाया है, यूज किया है। तो इसको मैंने पहन के देखा तो ठीक आया, लेकिन इससे 1-1 इंच लूज बनाऊंगी, इस ये तो पहनूंगी नहीं, तो सॉफ्ट टापटा, इसको टपेटा, सॉफ्ट टपेटा का कपड़ा कहते हैं, तो वो मिला नहीं मुझे दुकान में, तो इस बार नेट का बनाने जा रही हूँ। और साफ करती हूँ तो नीचे में भी मुझे लगता है पूरी तरह से साफ़ होना चाहिए, तो नीचे भी उसी तरह से। और ये पानी वानी गिरता है तो कपड़ा मैंने यहाँ पर रख लिया है, तो मेरा किचन का कोई भी काम नहीं है।
किचन का मेरा कोई काम नहीं है डियर, तो इसीलिए आप लोगों से नहीं मिल पा रही थी। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो समझते हैं कि परेशानी क्या होती है, बिल्कुल जल्दी जल्दी मैं एकदम होश में नहीं रहती हूँ। रात में मेरे दिमाग में सेट रहता है मुझे सुबह क्या कटिंग करके बनाना है, क्योंकि एक गाउन बनाऊंगी, एक स्कर्ट कुर्ती का तो लगभग तय हो गया है, बना लिया है लगभग 90% हो गया है, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। और अब इसका एक टेंशन है इसकी लाइनिंग का, कपड़ा भी मत बटूटा ख़राब हो जाएगा, एक टेंशन है इसके लाइनिंग का, थोड़ा सा टेंशन में हूँ डियर, इसीलिए आप लोगों से नहीं मिल पाती हूँ। लेकिन आप लोग मेरी परेशानी को समझिएगा और अपना प्यार सपोर्ट सब बनाए रखिएगा डियर। जो चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। और अभी सब कुछ ठीक है, मेरी बेटी दो आज मैंने गुस्से से उसको छोड़ दिया, आया कर रही थी, मैंने कहा ठीक है आज तुम रो, रोते रोते वो खुश हो गई, तो फिर मेरा बेटा गया उसको थपथपा के सुला दिया। तो डियर इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में, बने रहिएगा इस चैनल के साथ, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ गाउन का कपड़ा लेने, देखूँ अब देखती हूँ क्या पसंद आता है कैसे। इधर तो सारा कॉटन का है कुछ है, और इधर सारा टोटली फोर गाउन है। मैं आपको पूरा बैक कैमरे से दिखाती हूँ। हाँ मैं देखिए गाउन का जो फैब्रिक लेने आई हूँ, पहुँच गई हूँ शॉप पे, और दुकान ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बच्चा लेकर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इनके साथ मैं आई हूँ। ये बाबू को लेकर बाहर में बैठे हैं। फैब्रिक देखकर तो इतना मन ललचता है डियर, जो कि किसी भी तरह का अगर आपको डिज़ाइन क्रिएट करने आता है तो आपको लगेगा कौन सा फैब्रिक ले लूँ, क्या ले लूँ। तो इधर जितना भी आप देख रहे हैं ये सारा गाउन का फैब्रिक है, क्योंकि इसमें अरज जो है इसका पन्ना ज़्यादा होता है, 60 इंच 54 इंच 56 इंच, और बाकी पीछे की तरफ कॉटन है, वो भी मैं दिखाऊंगी। एक पर एक फैब्रिक था, बहुत मन ललच रहा था देख के, लेकिन नेट लेने के पक्ष में नहीं थी। ये सिक्वेंस वर्क वाला कपड़ा और थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली भी था, 1100 रुपया मीटर, 1000 रुपया मीटर, तो वो सब तो मैंने नहीं लिया। मुझे जो जचा ये जो आप पिंक वाला ऊपर में देख रहे हैं वो मुझे पसंद है, जो कि अभी मैंने आपको